हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्या लाए हैं, कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हिंदी का पेपर लेके आए हैं, जो कि एकदम 100% रियल पेपर है। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो अपना पेपर मिला लीजिएगा, और जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है, अपनी तैयारी इससे आप अच्छी कर सकते हैं, जिससे कि आप पेपर में 100 में से 100 फोड़ के आना है आपको, 100 में से 100 आपको फोड़ के आना है। क्या इससे आप पूरी पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो खंड आ में आपको खंड का में क्या दिया गया है, आप बिना देरी के पेपर को शुरू करते हैं। क्या खंड का में पहला क्वेश्चन क्या गया, विकल्प आपको सही चुनकर, सबसे पहला क्या है, नासिकेतु उपाख्यान के रचयिता कौन है, सदल मिश्र जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है, गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद परीक्षा गुरु क्या है, ये एक उपन्यास है। उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे, बिना जल्दी जल्दी ऐसे पेपर समय बर्बाद की पेपर को जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के लेखक हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने आपको, ये गद्य से ये काव्य से है, मतलब पद से। उसके बाद उसमें क्या, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। उसके बाद खा नंबर क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है, कामायनी किस युग की है, छायावादी युग की रचना है, छायावादी युग की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला आधुनिक युग की मीरा किसे महावदी वर्मा को आधुनिक की मीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण की रचना क्या है, भूषण की रचना क्या है, छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। उसके बाद इंग्लैंड आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सिद्ध सीमांत काल से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर बच्चों कह रहा है गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देख, गद्यांश देख लेना, ये गद्यांश है, उसके अंदर ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये आपको उसके संबंधित ये 1 2 3 4 5 आपको सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। और उसके बाद अथवा में देखिए एक और गद्यांश दिया, उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद इसमें देखिए और भी क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन है, देखिए ये इंग्या नंबर 4, इसके बाद ये आपको भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने आपको, जहाँ पर ये पद्यांश दिया गया है 2 लाइन 5-6 लाइन का, उसके बाद इससे आप संबंधित ये क्वेश्चन आपको ये अच्छे से देख लेने हैं। और बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लें, जिससे कि, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि न्यू पेपर की वीडियो और आपके पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जल्दी पहुंच सके। और उसके बाद आते हैं अगले सवाल पर, देखिए अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है, जिसको आपको ये दोहा है, दोहे के पाठ और लेखक का नाम 1 2 3 4 5, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करके जाना, जिससे आप 100 में से 100 का फोड़ के आए पूरा का पूरा पूरे पेपर। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। अगला किसी एक कवि का, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, में से आपको किसी एक का तैयार करके जाना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रायश्चित अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश, एक कहानी होती है उसका एक प्रायश्चित या आकाशदीप कहानी का सारांश आपको लिख देना है, पूरे 5 नंबर का सवाल है ये। उसके बाद बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य का प्रकाश, या फिर आप ये कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए, आपका एक नाटक है आप इसमें से दे सकते हैं, अथवा आन का मान नाटक के आधार पर औरंगजेब की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये आप कर सकते हैं, अथवा या फिर ये वाला कर सकते हैं, आन का मान नाटक के द्वारा अंक का कथानांक अपने शब्दों में लिखिए, इसमें से आप ये कर सकते हैं, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद खंड खा आ जाता है पूरा, ये 8वां नंबर। अब इसके बाद आती है संस्कृत चालू होती है, संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, ये आपको पूरा का पूरा पेपर देख लेना है, संस्कृत का गद्यांश आपको पढ़ लेना है। और अथवा में दूसरा गद्यांश भी दिया गया है, और उसका ये देखिए दूसरा गद्यांश भी दिया गया है, और उसके बाद अथवा में फिर दूसरा गद्यांश भी, इसमें से आपको किसी का एक का कर लेना है, उस जिससे कि आपका पूरा का पूरा अच्छा हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों तथा एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए, पहला गागर में सागर भरना, घी के दिए जलाना, और आस्तीन का सांप होना, ये आपको 3 मुहावरे दिए गए, 3 है, किसी एक का इसमें करना, एक का करना है और एक का वाक्य प्रयोग कर देना है, तो 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। और बच्चों को पूरा पेपर तैयार करके जाना है, बस सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरा पेपर देख लीजिएगा और अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके आप पेपर को अच्छे से मिला लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वही है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये भी है आगे कुआं ना पीछे खाए, इसको भी कर लेना है। उसके बाद दसवां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का है इसमें आपको महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, महोत्सव का होता है महा प्लस उत्सव, ये ऑप्शन इसका। राजर्षि का संधि विच्छेद, राजर्षि नहीं राजा और ऋषि, ये हो जाएगा राजा और ऋषि। उसके बाद नयनम का संधि विच्छेद, नयनम ये क्या होता है, नयन नयन प्लस आम नयन, नयन मतलब आँख। उसके बाद दिए गए विभक्ति और वचन के अनुसार आपको लिखना है राज्ञा, ये होता है इसका आपको विभक्ति देख लेना है। आत्मनम, आत्मनम में शब्द रूप आत्मनम में क्या, ये आपको पहला दूसरा क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद एक ही नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। सर अवसर, सर माने क्या होता है, सर अवसर, सर मतलब होता है देखिए यहाँ पर मस्तक या सिर, बाढ़ तालाब, तालाब और सिर, सिर और महादेव, इसमें आपको देख लेना। उसके बाद अगला है अचार, आचार, अचार मतलब क्या होता है, अचार मुरब्बा, आचार मतलब आचरण, ये देख लिए आम और चारा, ये आपका इस कारण ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए खा, कांटा का अर्थ है, कांटा का क्या अर्थ है, कांटा, कांटा सूल, कांसा मछली की हड्डी, बड़ी तराजू, इसमें आपको देख लेना है। और बच्चों पेपर को आपको पूरा का पूरा तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा क्या होता है, अंगूठी को, आकृति को, रुपए को, इन सभी को, मुद्रा ये तो सब होती है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, वन में लगने वाली आग बनाग, दावान दावाग, आग्नेय, इसको आपको देना है। उसके बाद सेना से ठहरने का स्थान, सेना के ठहरने का स्थान क्या होता है, शिविर, सेना घर, छावनी, इसको अपन दे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सब एक शब्द वाक्यांश के लिए आपको ये सारे के सारे तैयार करके जाने हैं, बस मैं आपको पूरा पेपर बता दे रहा हूँ। सही उत्तर विकल्प का चयन किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए में अशुद्ध, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए में अशुद्ध आपको बताना है, पानी पिलाइए घड़े का पानी, ठंडा घड़े का पानी, ये हो जाएगा ठंडा घड़े का। उसके बाद बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है क्या है, बर्तनी की दृष्टि से आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा भविष्य उज्जवल है, रमा बड़ी विद्वान है, मुझे 100 रुपद देना, ये गलत हो जाएगा इसका। उसके बाद वीर रस अथवा हास रस के स्थाई भाव, आपको रस तैयार कर लेना वीर या हास, इसमें से आपको एक का परिभाषा प्लस उसका एग्जाम्पल लिख देना है, दो नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन उपमा और भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण, ये भी दो नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोहा अथवा चौपाई, दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखना, मात्रा सहित आपको लिखना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, यानी प्रिंसिपल को लिपिक के, यानी आप लिपिक के लिए भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको उसको प्रार्थना पत्र देना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर अथवा में आप क्या कर सकते हैं, दैनिक समाचार पत्र के संपादन के पत्र, जो एक दैनिक समाचार पत्र आता है उसके संपादक को एक पत्र लिख सकते हैं, ये भी 6 नंबर का आप अथवा दोनों। और उसके बाद अगला आखिरी एवं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, क्या कितने विषय दिए गए हैं, पर्यावरण प्रदूषण दिया गया है, विज्ञान वरदान, मेरा प्रिय साहित्यकार, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा में खेल कूद का स्थान, ये आपको पूरा पेपर हिंदी का हो गया है बच्चों, जो आपके 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा 100 फोड़ के आना है, क्योंकि मैंने 100% आपको रियल पेपर प्रोवाइड कराया है। ये कोड एसएच का पेपर है ये, जिससे कि आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई को जारी रखिए।